तो स्वागत है हमारे यूपीएससी के दिन वाले ब्लॉग में। कई लोगों ने पूछा है कि कैसे आप दिन में 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। मैं बताता हूं कि आप दिन में कैसे आराम से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। 3 बजे तक पढ़ा था, सोया सुबह उठा 6 बजे, 6 बजे उठ के सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श कर की मेरी मम्मी ने बोला है, उसके बाद बजरंगबली सरस्वती माता को प्रणाम करके रूम पे मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की डेटिंग एंड जियोग्राफी रिलेटेड चीजें चिपका रहा, जो काफी एग्जाम में हेल्प करते। उनको 5 मिनट में रिविजन करने के बाद मैं 1.5 घंटे नॉन स्टॉप करंट अफेयर पढ़ता हूँ। 5 मिनट अपना 14 घंटे पढ़ने का टास्क लिखता हूँ कि दिन में मुझे 7 घंटे पढ़ने, रात में भी 7 घंटे पढ़ने हैं। ब्रश करके कुछ खा के चला जाता हूँ जिम। 10 बजे वहाँ से आप नहाकर हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़ता हूँ। उसके बाद मेरी जो गर्लफ्रेंड है, ये इसकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसलिए इसकी केयर करनी जरूरी है, तो इसको दूध और ब्रेड देता हूँ। एक्चुअली ये दूसरी वाली मेरी बेबी है, बट ये पहले वाली की हेल्थ डाउन है, तो इस पे ज्यादा केयर करना पड़ेगा। इसको खिलाता हूँ, फिर सबको खिला के आ जाता हूँ। उसके बाद खाना खा करके 12 से 6 लाइब्रेरी जाता हूँ। 3 टास्क वहाँ कंप्लीट करता हूँ, 1 टेस्ट सीरीज, 3 घंटे नोट्स बनाता हूँ। 6 बजे निकलता हूँ लाइब्रेरी से और लेता हूँ बिस्किट अपने दोस्त के लिए। ये हमारे दोस्त रूम पे, और 6 बजे निकल जाते हैं। 9 बजे तक पढ़ाते हैं, 9:30 बजे जाते हैं रूम। रात में भी 6 घंटे की पढ़ाई। वो ब्लॉग कल अपलोड कर दूंगा।